तुम तो कहते कि तुमने दरवाजा बंद किया था, तो फिर वो घर में कैसे घुसा? वो जो गुंडा जैसा था? हाँ हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। बताओ कौन था वो? वो कोई चोर तो नहीं था, वो तो फायजा बीबी से मिलने आया था। अगर आप सच में मुझसे मलिया जितना प्यार करती हैं ना, तो मुझे इस शादी में शरीक होने को नहीं कहेंगी। कि जो लोग मुझे दिल से कबूल नहीं है, मैं बनावट से भी उनकी खुशी में शामिल नहीं हो सकती। और अगर गुल खान की बात सच्ची निकलती तो तुम क्या करते? फायजा से तुम पूछते? मुझे उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि मैं जानता हूँ फायजा मुझसे कभी झूठ नहीं बोल सकती। अच्छा, तो फिर वो क्या था जब वो अपनी माँ के घर गई थी झूठ बोल के? देखो असमय भाई, मेरे पास ना एक जबरदस्त वाला प्लान है, जिससे तुम्हारा और मेरा दोनों का काम हो जाएगा। चल बता क्या प्लान है तेरा। मैंने तुम्हें कहा है ना कि आज के बाद मुझे कॉल मैसेज नहीं करना। मेरा तुम लोगों से कोई ताल्लुक नहीं, मुझे ना कॉल करो ना मेरे घर दोबारा मिलने आना, समझे? जी सर, फहद जिस लड़की से शादी कर रहे हैं ना, वो हमारे मोहल्ले की बदनाम औरतें हैं। उसकी एक बहन ने ना इसी तरह अमीर बाप के बेटे को फंसा कर भाग कर शादी कर ली, और अब ये आपके बेटे को फंसाने के चक्कर में है।